आज हमें निकलना है नासिक के लिए, और अभी यहाँ पे बारिश हो रही है। सुबह का 6 बज रहा है और ये है आगरा, आगरा छावनी। 9 बज रहे हैं सुबह के और 27 तारीख है। यहाँ से उनकी ट्रिप स्टार्ट। ट्रेन आ गई है, मैं स्टेशन पर उतर आया हूँ और सौरभ सिंह का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ स्टेशन के बाहर घूम रहे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। ये देखा नहीं इनने अभी कि हम कहाँ हैं, बाहर खड़े कहाँ नहीं है। सारे डिब्बे में सारे तरफ देख रहे हैं, मेरा बैग दिख गया है इसको, अब यहाँ वहाँ देख रहा है। शाम के बज रहे हैं 5:43 और हम लोग भोपाल पहुंचने वाले हैं और बाहर कुछ नज़ारा ऐसा है। चारों तरफ काले बादल ही बादल हैं, चारों तरफ पानी बरस रहा है। भोपाल में मामा का लड़का है जो सनी, वो आ रहा है मिलने के लिए मुझसे, और सौरभ सिंह वेट कर रहे हैं कब वो आए, कब खाना खाए, खाना लेके आ रहे हैं हम लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग, आ गए नासिक। सौरभ सिंह सो रहे थे, इनको भी उठाए, बैग एक तैयार किए। ठंड लगी रात का है। पाँच बजे जा रहा है, पता नहीं इतने सुबह उतर के क्या करेंगे। सौरभ सिंह तो टट्टी करेगा। क्या है ये स्टेशन का नाम, नासिक रोड। ओह माय गॉड, स्टेशन तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। हाँ यार, ये तो हमारे उरी से भी छोटा है। चलो भैया, चलो 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 चलो। वाईफाई से सीजन डाउनलोड किए जा रहे हैं, स्टेशन वाईफाई पे जैसे ही मिलता है सौरभ सिंह हाल कनेक्ट करके एपिसोड डाउनलोड करते हैं। हुए डाउनलोड, चलें। टट्टी लगी, बताओ। पढ़ेंगे ये हमारे उरई में नहीं है, ये नासिक में है। वही से तो अच्छा स्टेशन लग रहा है, अब दूर बाहर से देखने में नहीं लग रहा था। फिर से स्टेशन के अंदर की ओर भाग रहे हैं। इनका वाई फाई चला गया, सौरभ सिंह का सिग्नल चले गए, रुक गया इनकी वेब सीरीज, रुक गई। फिर स्टेशन के अंदर लेके आ गए, अब जब डाउनलोड हो जाएगी तब निकलेंगे यहाँ से। देखो भागे चले जा रहे हैं, सुसु लग रही है। सुसु साला चाहिए थी इनकी, सुसु साला। चाय पीते हुए सौरभ सिंह, अपने पास 20 रुपए का चाय वाला करे, चाय वाला करे, चाय मिल गया, बड़ा फोन मिल गया। क्या निकल रहा है, क्वालिटी है, क्वालिटी है।
पत्ता जब क्यों नहीं निकाला तूने? चम्मच गिराएगा फिर से नीचे। सौरभ सिंह खा के बताएंगे पुला पाव कैसा है। सारी दाल भर लेंगे, कुछ बचने नहीं देंगे। बड़ा पाव घाट कहाँ है? पूजा वूजा कहाँ? चाचा चले ओके आ जाओ, निकले आओ। आ गए भैया त्र्यंबकेश्वर मंदिर, अब ढूंढते हैं बाबा जी को। ये रही रास्ता जाने वाली त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए। सामने पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, पूरा मंदिर सामने। ओ मंदिर तो काफी पुराना है, मंदिर के ऊपर भी घास जमी हुई है हल्की हल्की सी। चलते हैं अंदर थोड़ा पता कर लें। ढूंढो बाबा को, ढूंढो। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं चोरों सावधान रहे, मेरा कहना है बाबाओं से सावधान रहे। यहाँ बाबाओं से सावधान रहे, चुंगी लगाते हैं 5000 सीधे। कौन सा? ये रहा मंदिर का पश्चिम गेट, और पश्चिम गेट पे हम ढूंढ रहे थे ये मिलिंद अन्ना साहेब को। ये यहाँ पे पूजा करेंगे। मौसम बहुत अच्छा है नासिक का भी, और नारियल और फूल लेने के लिए भेजा है पंडित जी ने। जो भैया आए हैं साथ में उनके लिए कोई पूजा वूजा होनी है। ये देखिए फूल नारियल, नारियल कैसे दिए दे दो। ये देखिए इतना सारा फूल है, नारियल है। 10 रुपये का तो फूल मना कर दिया यार हमने, बोला 10 में पूजा करना है, 10 में पूजा नहीं हो पाएगी। आप बताइए, मतलब भगवान जी 10 रुपये के फूलों मानेंगे ही नहीं। तैयारी चल रही है। यह है पूजा का स्थल, यहाँ पे इन सारे लोगों की पूजा हो रही थी। और यहाँ पे सर्प दोष जो होता है जिनकी राशियों में, इनकी शादी नहीं हो रही होती है, उनकी यहाँ पे पूजा होती है। इनका सर्प दोष दूर किया जाता है, इससे फिर उनकी शादी हो जाती है। बड़ा ही भागा दौड़ है यहाँ पे। मंदिर एक है, बीमार अनेक है। मंदिर एक है, रेट अलग अलग है। सीधा बताओ, और यहाँ का नहीं है, इंडिया के सभी मंदिरों में ऐसा ही सिस्टम है। जो हमने आपको दिखाया ऊपर कितने सारी थालियां लगी हुई थी, अब समझ रहे हैं आप, एक दिन में कम से कम नहीं तो 50 लोगों का सर्प दूर करते हैं, और पर कैंडिडेट 1500 से मिनिमम 1500। हाँ मिनिमम, मैक्सिमम 5100-5161 ऐसे चलता है। 1500-2000-3000 जितने में आदमी पट जाए। पंडित जी की बताओ। और पंडित जी, पंडित जी के क्या बताएं, ये बहुत पंडित जी की बताएं। जो हमारे पंडित जी थे, मैंने उनको देखा तो वो आईफोन लिए हुए थे, आईफोन एक्स, और हाथ में जो घड़ी थी उनके वो कैसियो की थी, 12000 रुपये की आती है वो। आप समझिए जो यहाँ के पंडित जी हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं। भैया हमारे अंदर गए हैं पूजा में, और मुझको लग रहा है वहाँ 2 घंटे लगेगा, 3 घंटे, तो हम थोड़ा आराम करने आए हैं यहाँ पे घूमने। चलो फोटो खिंचाओ, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ दोनों लोग, हंसो तो, दांत दांत दांत, हाथ नहीं दांत, दांत दिखाओ, दांत दांत दिखा। ये रहा शेर का नाखून। अभी शेर कहाँ मार दी से यार ये, वाह कैसी
ये शंख को चेक कर रहे हैं कान में लगा के, ये इसका माइक्रोफोन है। और ये बोले महाराज, हाँ हाँ शंकर जी आ गए, आ गए आपके पास। ठीक है, कैलाश पर्वत भी आएंगे दोबारा। ये देखिए यहाँ का मार्केट, जहाँ सारी जगह होता है मार्केट, सारे पीतल का सामान मिल रहा है यहाँ पे। और ये है यहाँ पे एक कुंड, जिसमें हम लोग करेंगे स्नान, उसके बाद जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। क्या बात है, ये मेन मंदिर से थोड़ा पीछे है। सौरभ सिंह विचार बना रहे हैं इसमें कूदने का। कूदना है ऐसे नहीं कूदा जाता है। ये पवित्र कुंड है, इसमें हमने नहा तो लिया है, पर इसका पानी इतना गंदा, इतना गंदा, सूंघने पे बदबू आ रही थी यार, उल्टी आने लगी है। तो बहुत गंदा पानी है यार, बहुत ज़्यादा। सौरभ तो नहाया ही नहीं, कपड़ा उतारा, कपड़ा पहन के फिर रेडी हो गया। मूड ख़राब हो गया यार। ये देखिए लाइन लगी हुई है मंदिर में दर्शन करने के लिए, हम लोग खाना खाने गए जब तक इतना लाइन लग गया है, और अब लग रहा है कि ये दर्शन नहीं करने चाहिए। घर निकल रहे हैं, घर नहीं मतलब यहाँ से नासिक से जहाँ पे हैं वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी लाइन में मेरी तो बस की बात नहीं है भैया। अपन तो नहीं जाएगा। दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, दर्शन बढ़िया एकदम, अच्छा दर्शन। नहाए आप? बढ़िया पानी ना नहाए ना दर्शन किए, सवेरे उठे अति मंजन करके चले आए। मंदिर में बिना दर्शन किए आ गए हैं बस स्टैंड से, बस का इंतजार। दर्शन की कोई जरूरत नहीं समझी, बाहर से ऑनलाइन दर्शन हुए। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? उरई। उरई। हो बड़े मुश्किल से बस में जगह पा पाए, लौट रहे हैं नासिक की तरफ। ये बस में जैसे ही सारे लोग उतरे, तुरंत सारे लोग चढ़ने लगे, जगह तो मिलना नामुमकिन था। तो विंडो से एक बैग अंदर, दूसरा बैग अंदर, तीसरा बैग वहाँ अंदर, उसके बाद फिर हम लोग आराम आराम से अंदर। वो देखो सौरभ सिंह पता नहीं किसका बैग बाहर निकाल रहा है कि आप जाइए बाहर। ये ऊपर ऊपर, मेरे को इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती यार, क्या पिचू जू करते हैं यार, हद है। हम लोग यूपी वाले हैं, जगह तो पा ही लेंगे, ये लोग महाराष्ट्र के हैं, खड़े हैं। वाह क्या बात है, टैलेंट होना चाहिए टैलेंट। एक किलोमीटर आगे छोड़ दिया, गलत बात यार, ये बात बहुत खराब है। रेड लाइट के चक्कर में 1 किलोमीटर आगे उतार दो यार। अब तुम तो ड्रीम गर्ल देखो नहीं, तुम्हारे तो ड्रीम में लड़के ही आते हैं। चिटी हॉल नासिक की तरफ जाते हुए ड्रीम गर्ल मूवी देखेंगे सौरभ सिंह। चलो 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 चलो, ए ले रुको, चलो 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 चलो, आ रही ना। हाँ यार ऑडी आ रही है। ये देखिए नासिक में साइकिल की सुविधा उपलब्ध है, ये सारी साइकिलें हैं, इनमें लॉक लगा हुआ है और ये बार कोड है, आप इसको मोबाइल में स्कैन करिए, पेटीएम पे रिचार्ज कीजिए 23 रुपीज़ का, उसके बाद पर डे का 23 का रिचार्ज है, तो एक दिन के लिए आपको साइकिल मिल जाएगी। आप कहीं से भी इसको उठाइए और कहीं पर भी जाके इसको छोड़ दीजिए, GPS लगा हुआ है, चोरी आप कर नहीं सकते। ये रहा मॉल, द नासिक सिटी सेंटर मॉल, जा रहे हैं ड्रीम गर्ल देखने। भाई 1400 तो ज़्यादा ले ले, लैंड करा दे। अरे बाप यार, पूरा बैग खोल ले भाई, इतने तो ठंड ठंड आ रही यार। हाँ यार ये देख रहे हैं, एक्सक्यूज मी भाई, लड़कियाँ खड़ी हैं, ये पता नहीं क्या क्या मांगती हैं। सर हम चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, आप 100 रुपये दे दीजिए प्लीज।
ये मुन्ना भाई है और ये बगल में सर के खड़ा हुआ है। याद रहेगा आज घूमने आएंगे। ये देखिए एक कोल्ड कॉफी है, एक ब्लैक करंट है। हम ये नहीं मंगाए थे इसलिए हम सोचे कड़वा ना लगे, अब ब्लैक कॉफी मंगाए थे, कोल्ड कॉफी, और यही ज़्यादा कड़वी निकली। अब जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, एक घंटे का ब्रेक था वहाँ पे, 7:18 मूवी 8 का है। ये रहा बस सिटी सेंटर, आ रहे हैं दोनों लोग। देखिए पिक्चर देने आंखें आए हैं। हाँ अरे अंदर है, अब इन चालू होने वाली है, खाली हुई तो पीछे बैठ दस जाए। अरे ठीक है यार, बढ़िया देखेंगे। बैठे हैं ट्रेन में, जा रहे हैं दादर। रात को बज रहा है 11:48, मूवी देख के आए हैं अभी और मूवी में बैठे हैं। दादर जाएंगे, दादर सुबह 4-5 पहुँचा देगी, 6 लोनावला के लिए, और लोनावला पहुँच के फिर कल का ब्लॉग देखिए लोनावला में। आज ये नासिक का आ रहा है और ये जुगाड़ देख रहे हैं, क्या जुगाड़ है, ये मेरा आइडिया है।